का मतलब बच्चा जानकारी नहीं है, ये पति है इनके, पति के पास सोए थे कि नहीं सोए थे, बच्चा कहाँ से आ गया, बच्चा कहाँ से आ गया, बच्चा ये भी एक साल से पत्नी गायब है, एक साल से आप हाजीपुर में भी मारपीट की, किसके साथ मारपीट की, मेरे साथ, आपके साथ मारपीट की, मारपीट की, आपकी पत्नी, पत्नी साली, साली भी मारपीट की, और साला भी नहीं, साला नहीं था, अच्छा साली और आपकी पत्नी मारपीट की कोर्ट में, बच्चा है कि नहीं है वो बच्चा, आपको डाउट है उस पे, हाँ डाउट तो है, आपका जो दूसरा बच्चा हुआ है उस पे आपको डाउट है कि वो मेरा नहीं है, नहीं है वो दूसरे का संतान, दूसरे का है, जो जिसका जन्म आपकी पत्नी दी है जी। देखिए रील्स बनाते बनाते इंटरटेनमेंट करते करते एंजॉय करते करते पत्नी एक साल से फरार है और पत्नी कहीं और इंटरटेनमेंट कर रही है, कहीं और पे रील्स बना रही है, पति बेचारे थाना और कोर्ट का चक्कर काट, पहली बार हम सोसाइटी में व्यक्ति पहली बार देख रहा है कि पत्नी का बच्चा हो गया, पति को पता नहीं, पता ही नहीं है, उसके बाद भी रखने तैयार, मेरा अंगूठी लेके भागी है और कुछ था चैन, वो है एक चैनल है और एटीएम लेके भागी है, और जिस मोबाइल लेके भागी है उसमें मेरा 75,000 रुपया था पे फोन पे, जिसका वो कोड जानते अच्छे हैं, दो बच्चे, हाँ जिसको एक मैं जानता हूँ एक नहीं जानता हूँ कि कब हुआ कैसे हुआ, इतना क्या बात कर रहे हैं महाराज, एक बच्चा को जानते हैं, आपकी पत्नी का बच्चा हुआ और आपको पता नहीं, हमको पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है, जब मैंने सरपंच साहब के यहाँ गए थे पेपर बनाने के लिए तो उन्होंने हमको हमें बताया, कैसा नंबर आदमी है जी, जब दूसरे मर्द बस सो गए उसका बच्चा हो गया, आएगी तो हम रख लेंगे, तो क्या करें? फिर भी कह रहे हैं कि रख लेंगे पत्नी को, क्या पैसा मर्द आदमी है, मर्द आदमी नहीं आपके अंदर में, जब बीवी आपसे भाग जाती है, रील भी बनाते थे, कौन रील बनाता था पहले कहता है लाइकी पे हम लोग रील बनाते कौन थे, कौन हम दोनों आदमी, आपकी पत्नी और आप, हाँ दोनों आदमी रील्स भी बनाते थे, रील्स भी बनाते थे, ओह माय गॉड, मतलब लाइकी पे धंधा है उसका, माँ का, उसका माँ भी उसके पापा से 15 साल से अलग है, मतलब कि आपकी सास भी फरार है, फरार है 15 साल, और आपकी पत्नी भी फरार है, काफी ज्यादा ब्लैकमेल करती है, क्या कहती है, अभी ब्लैकमेल करती है, जान मारती की धमकी देती है, पैसे की डिमांड करती है। नमस्कार, मैं हूँ अमरजीत कुमार गिरी और आप देख रहे हैं भोजपुरिया चकोरा, अभी हम पहुंचे हुए हैं वैशाली जिला में और वैशाली जिले का गड़ौल थाना पर पहुंचे हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि एक भैया हैं काफ़ी परेशान हैं, और जो है कि देश में तरह तरह का कानून बना और कहा जाता है कि ये पुरुष प्रधान देश है, महिलाओं के लिए तरह तरह का कानून बना कि अगर कोई पुरुष एक महिला को 14 सेकंड से ज़्यादा देर तक घूर कर देखता है तो भैया वो पुरुष फंस जाएगा, और औरत जो है उस पुरुष को मतलब कि केस कर सकती है, कई गो धारा है जिस धारा में उस पुरुष के ऊपर केस हो सकता है, लेकिन वही महिला अगर 14 सेकंड से ज़्यादा अगर किसी पुरुष को देखे तो उसके लिए कोई कानून नहीं बना है, मतलब कि औरतें जितना चाहें पुरुष को परेशान कर सकती हैं लेकिन पुरुष बेचारा क्या करेगा, दर दर का ठोकर खाता है, कभी थाना जाता है कभी कोर्ट जाता है, और महिला कहती है कि हम रेप के केस में फंसा देंगे, बलात्कार के केस में फंसा देंगे, तो तुमको तरह तरह का जो है कि धमकी देती है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमित कुमार हुआ। अमित कुमार जी, क्या परेशानी है आपके साथ अमित बाबू? जैसे कि हम लोग 2 जुलाई 2019 को शादी किए थे, 2019 में शादी किए, ठीक है चलिए, हाँ अच्छा से जैसे रीति रिवाज से शादी हुआ, उसके बाद हम लोग चले गए दिल्ली, दिल्ली गए काफ़ी दिन रहें, लॉकडाउन लगा तो घर पे आए, घर पे आने के बाद मेरा एक बच्चा हुआ, उसके बाद मेरी बीवी यहाँ पे आई, तो यहाँ रहने के बाद हम लोग 2 या 3 महीने के बाद फिर चले गए थे दिल्ली, दिल्ली जाने के बाद वो वहाँ से भाग के चली आई, कौन भाग के आ गई? मेरी बीवी, आपकी बीवी भाग आई, भाग आई दिल्ली से, दिल्ली से, अच्छा। तो हम सेक्टर 14 में उस पर केस फाइल किए थे अपहरण का। अच्छा दिल्ली में भी केस किए हैं? हाँ, आप जब आपकी पहली बार भागी थी पत्नी, आप पहली बार भागी थी बिना बताए हुए सारा सामान ले, तो अपहरण का केस किए थे, उसका एक सप्ताह बाद हमें पता लगा प्रशासन के द्वारा, तो वो अपने मायके गई है, तो हमने वो केस कंप्रोमाइज करके वहाँ से चले आए, आने के बाद घर पे भी रहें, उसका तो खुद से यहाँ आई तो हम रख लिए घर में। कितने दिन के बाद वापस आई वो? 4 महीने के बाद आई, 3-4 महीने के बाद बीवी आपकी वापस आई, 3-4 महीने के बाद आई। पता नहीं था कहाँ थी वो? अपने मायके थी, मतलब मायके थी, पता था मायके थी, ये तो पता हो गया था प्रशासन द्वारा, पता हो गया था, तो हम भी वहाँ से चले आए, तो यहाँ रही हो, यहाँ हम रख लिए, उसके बाद यहाँ से 4 महीने के बाद बीबी आई, 4 महीने के बाद जो है कि भागी थी, तो आप केस भी किए थे पत्नी का अपहरण का, कि कोई आपके बीबी का अपहरण कर लिया है, लेकिन 3-4 महीने के बाद फिर पत्नी आई, आप अपने पत्नी को रख लिए? जैसे प्रशासन द्वारा हमें पता लगा कि वो अपने मायके गई है, तो वहाँ का दिल्ली का जो केस था सेक्टर 14 में, वो कंप्रोमाइज करके हम चलिए कंप्रोमाइज कर लिए, आगे बढ़िए, उसके बाद यहाँ मेरे घर पे आई, हम उसको घर पे आई वैशाली में, वैशाली में मेरा गाँव अख्तियारपुर सेहान है, गोल थाना के अंतर्गत आता है, तो उसको हम रख लिए, रखने के बाद वो यहाँ 1-2 महीने बढ़िया से रही,
और यहाँ से भी सारा सामान मेरा लेके, पैसा जो भी है, एटीएम, मोबाइल सब लेके यहाँ से वो भाग गई। फिर कब भागी है आपकी पत्नी दोबारा, कब भागी? वो भागी है अप्रैल में, 24 अप्रैल 2022 को 2022 में 24 अप्रैल को भागी है। मतलब एक साल हो गया, एक साल हो गया। चलिए, एक साल से आपकी बीवी भागी हुई है। अब तक ले कोई ठिकाना नहीं है? नहीं, वो मायके में है, मायके में है, तो हम जानते हैं कि मायके में है। उसके बाद वो हाजीपुर में एक मैंने नोटिस के द्वारा बुलवाया गया था, बुलवाने के बाद वो हाजीपुर में भी मारपीट की। किसके साथ मारपीट की? मेरे साथ। आपके साथ मारपीट की? मारपीट की। आपकी पत्नी? पत्नी साली। साली भी मारपीट की? और साला भी? नहीं, साला नहीं था। अच्छा, साली और आपकी पत्नी मारपीट की। हाँ, कोर्ट में? कोर्ट में। अच्छा, तो कोर्ट में केस फाइल हो गया है, कुछ कोर्ट केस फाइल है कोर्ट में। उसके बाद अब हम लोग रील भी बनाते थे। कौन रील बनाता था पहले? कहता है लाइकी पे हम लोग रील बनाते कौन, थे कौन? हम दोनों आदमी, आपकी पत्नी और आप। हाँ, दोनों आदमी रील्स भी बनाते थे। रील्स भी बनाते थे। ओह माय गॉड, मतलब लाइकी पे? लाइकी पे। तो रील्स और फोटो लेकर भी काफी ज्यादा ब्लैकमेल करता है। क्या आपकी पत्नी करती है? हाँ, उसका क्या, उस फोटो में क्या है, रील्स में क्या है? रील्स में ऐसे डांस का है, डांस का है, और साथ में फोटो है। तो आप शादी किए उसके बाद पत्नी के साथ रील्स बनाने लगे? रील्स बनाने लगे। और उसके बाद पत्नी आपको उल्लू बनाने लगी? पहले से भी वो रील्स बनाती थी। अच्छा, पहले से बनाती? हाँ, बनाती थी। ओहो, हम नहीं बनाते थे। पहले से उसका सब था, एक्टिविटी था उसका। उसका अभी काफी ज्यादा ब्लैकमेल करती है। क्या कहती है? अभी ब्लैकमेल करती है, जान मारती की धमकी देती है, पैसे की डिमांड करती है उसका माँ। उसके गांव में गए हैं हम, तो सरपंच साहब जो है वो बोले हैं कि ये लोग का नाजायज धंधा है, और वहाँ से एक पेपर सरपंच साहब हमको बना के वहाँ से दे। इसका नाजायज धंधा है उसका माँ का। उसका माँ भी उसके पापा से 15 साल से अलग है। मतलब कि आपकी सास भी फरार है? हाँ, फरार है 15 साल। और आपकी पत्नी भी फरार है? आपकी सासू माँ 15 साल से फरार है? 15 साल से फरार। आपकी पत्नी 1 साल से फरार? 1 साल से है। मतलब कि सास मतलब कि पत्नी दोनों फरार है? दोनों है। तो कैसा घर में शादी हुआ महाराज, कि ये दोनों फरारे निकल गई? आपकी पत्नी भी फरार हो गई और आपकी बीवी भी फरार हो गई महाराज? हम लोग पहले तो ये सब नहीं जानते थे। आप पत्नी को शादी करके ला गए, लेकर आया, रील्स बनाने लगे, रील्स तो फरार नहीं होगी? रील्स पहले से बनाती थी। आप उसका सपोर्ट कर दिए? आप थोड़ा सा सपोर्ट कर दिए? हम भी, चलो हम भी एक्टिंग करते हैं। हम तो पहले भोजपुरी लाइन से जुड़े हुए भी थे। बताइए, एक्टिंग करते करते कितना बड़ा एक्टिंग किया आपके साथ, आपको छोड़कर भाग गई? ये सबसे बड़ा समस्या जानते हैं क्या है भैया, दिल्ली लेकर के उसको गए, ठीक है, और दिल्ली लेकर के गए, दिल्ली से भागी, उसके बाद से फिर दोबारा जो है कि घर से भागी, 1-2 महीना रही, 3 महीने के बाद वापस आई, तो भैया रख भी लिया अमित जी, और 3 महीने के बाद आई, कुछ दिन ठीक ठाक से रही, फिर से भाग गई। ये बता रहे कि मेरी सास भी भाग गई है, मेरी पत्नी भी भाग गई है, तो भैया शादी करके हम भी तो बीबी लेकर आए हैं, तो कहाँ कहते हैं उसको रील्स बनाओ? कहते हैं ना खाली खाना बनाओ, रील्स बंद बनाओ, रील्स बनाएगी तो भाग जाएगी, हमको पता है, रील्स काहे बनाएगी, खाना बनाओ। अब तो लगा रील्स बनवाने हैं, लगा पैसा कमाने उसे? नहीं, रील्स में पैसा सर कहाँ आता है? ना, नहीं आता, एंटरटेनमेंट होता है, एंजॉय होता है, एंजॉय होता है। फिर तो वो कहीं और जाकर एंजॉय कर रही है? वो तो हम नहीं जानते हैं सर, उनके गांव वाले ही बताते हैं। गांव वाले बता रहे हैं ना, सरपंच बताने का, वह धंधा करती है? वह धंधा करती है। वो जो किसी लड़का से कॉन्टेक्ट है, वो लड़का मेरे पास आया था। वो लड़का आपके पास भी आया था? आया, हमें समझाया भी, हम बोले कि नहीं, अब ये सब कुछ नहीं होगा, तो मेरे साथ मारपीट भी किया, जिस दिन मारपीट हाजीपुर में हुआ था। अच्छा, जिस लड़के के साथ उसका संबंध है, वो लड़का आपके पास आया था? आया था, वो भी मेरे साथ मारपीट किया है। वो लड़का भी आपके साथ मारपीट किया है? उसका नाम विमल पटेल हुआ, बिहिया का रहने वाला है। बिहिया का रहने वाला, पटना बिहिया? पटना बिहिया नहीं, अब आरा बिहिया। आरा बिहिया का रहने वाला है वो लड़का, जो है कि आपके पास आया? आया, आपके साथ मारपीट किया? हाँ। मैं देखिए, रील्स बनाते बनाते, इंटरटेनमेंट करते करते, एंजॉय करते करते, पत्नी 1 साल से फरार है, और पत्नी कहीं और इंटरटेनमेंट कर रही है, कहीं और पे रील्स बना रही है, पति बेचारे थाना और कोर्ट का चक्कर काट रहे हैं। क्या चाहते हैं साहब आप? चाहते हैं कि वो न्याय मिले। क्या न्याय चाहते हैं? न्याय में क्या चाहते? डिवोर्स वो नहीं दे रही है, डिवोर्स चाहिए, या तो डिवोर्स दे या सही से आके वो रहे। अच्छा, आपका जो चैनल लेकर भागी है, सुने कि आपका चैनल भी लेकर भागी? हाँ, चैनल भी लेकर भागी है। जिस चैनल से आप अपलोड करते थे? अपलोड करते, जिसमें आपका चैनल लॉगिन था, लॉगिन था, वो मोबाइल लेकर, मोबाइल ही लेकर भागी है, मोबाइल ही लेकर भाग गई। और क्या क्या घर से लेकर भागी है? वो मेरा अंगूठी लेकर भागी है, और कुछ था चैन, वो है, एक चैनल है, और ATM लेकर भागी है, और जिस मोबाइल लेकर भागी है उसमें मेरा 75,000 रुपये था पे फोन पे, जिसका वो कोड जानती थी, वो भी सब खत्म कर दिया। लवली कुमारी माता का नाम हुआ, उषा देवी, माता का नाम उषा। हाँ, उषा देवी तो फरार है। हाँ, पाप, जो लड़की का पापा है वो हमारे फुल सपोर्ट में है। मतलब कि आपका ससुर दामाद जो आप लोग हैं, हाँ, आप लोग एक साथ में है। और आपकी पत्नी, आपकी सास दोनों गायब है? गायब है। देखिए, कलयुग में कहल गई बा कि कलयुग और सतयुग में जब चर्चा होते रहे, तो सतयुग कहले
कलयुग से कि हमरे खानी तुही चली हो, तो कलयुग कहले कि हम कहाँ चले, हम का चले, लोगवे चली। देखे तनिक लोगवा चलत, देखिए रील्स के बाद का का ड्रामा भइल, ओकरा बाद से का ड्रामा पर पहुँचल बा। कोर्ट और प्रशासन कहाँ तक आपका सपोर्ट कर रहा है? अभी कोर्ट में तो केस चल ही रहा है, वहाँ का जो बगेन थाना का बड़ा बाबू है उन्होंने भी केस ले लिया है। ले लिया है केस? हाँ, केस ले लिया है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कितने बच्चे हैं आपके? दो बच्चे हैं। दो बच्चे? हाँ, जिसको एक मैं जानता हूँ एक नहीं जानता हूँ कि कब हुआ कैसे हुआ। इतना क्या बात कर रहे हैं महाराज, एक बच्चा को जानते हैं, आपकी पत्नी का बच्चा हुआ और आपको पता नहीं? हमको पता नहीं है, हमें पता ही नहीं है। जब मैंने सरपंच साहब के यहाँ गए थे पेपर बनाने के लिए तो उन्होंने हमको हमें बताया। इनका पहला बच्चा है, दूसरा बच्चा इनको पता ही नहीं है? बच्चा जानकारी नहीं है। ये पति है, इनके पति के पास सोए थे कि नहीं सोए थे? बच्चा कहाँ से आ गया? बच्चा कहाँ से आ गया? बच्चा ये भी एक साल से पत्नी गायब है। एक साल से गायब है? एक साल से इनकी पत्नी, एक साल से गायब है? एक साल से गायब है, बच्चा हुआ है चार महीना पहले। इनको पता ही नहीं कि मेरे पत्नी को बच्चा हुआ है? आप बताइए कैसे आप मर्द आदमी है जी, आपको बीवी को बच्चा हो गया, आप बाप बन गए, आपको पता ही नहीं है बीवी को बच्चा हुआ? बीवी है कहाँ? आपके यहाँ की मायके में भाग गई है? वो मायके मायके में है, भाग के गई है यहाँ से। रील्स बनाते थे उनके साथ में, रील्स बनाते थे, भाग के गई है यहाँ से। भाग के गई है? तो आप क्या विचार है आपको, उसे रखना है कि नहीं रखना है? आएगी तो रखेंगे, नहीं आएगी तो? आप कैसे ना मर्द आदमी है जी, जब दूसरे मर्द बस सो गए, उसका बच्चा हो गया, आएगी तो हम रख लेंगे। तो क्या करें? फिर भी कह रहे हैं कि रख लेंगे पत्नी को? क्या पैसा मर्द आदमी है, मर्दानी नहीं आपके अंदर में जो बीवी आपसे भाग जाती है? ये तो मर्दानगी के ऊपर सब। मर्द आदमी है जी, जो बीवी दूसरे पास जाकर सो जाती है, बच्चा हो जाता है और पति को जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है, और फिर उसको रखने के लिए अब तैयार है? रखने के लिए भी तैयार है कि हम रख, चलो रख लेंगे और रील्स बनाएंगे फिर? कोई मजबूरी होगा इनके पास में, पता नहीं क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है जी? एक फिर कह रहे हैं बच्चे के लिए बोल रहे हैं हम, तो बच्चा ले लीजिए, पत्नी को छोड़िए। बच्चा को रखिए कि बच्चे का मम्मी को रखिएगा? बच्चा को रखेंगे, बच्चे को रखेंगे। स्वार्थी आदमी है ना जी, क्या बोलेगी आपकी बीवी जी, नहीं बच्चा को हम नहीं देंगे आपको, तो क्या कीजिएगा? कोर्ट से लेंगे, उसका निर्णय तो कोर्ट में होगा ना, कोर्ट में केस चल रहा है। डिवोर्स करवाए हैं? डिवोर्स के लिए तो इतना हो रहा है। क्या हो रहा है? आप एप्लीकेशन दिए डिवोर्स का? दिए हुए हैं। तो उसका प्रोसेस बढ़ रहा है आगे? पढ़े आगे बढ़ रहा है, उसका पेपर भी मेरे पास है। तो पेपर लेने के बाद डाइवोर्स भी दे दिए हैं, उसके बाद भी रखने तैयार है तो आप रख लीजिए, अभी आप आएगी तो हम रख लेंगे। हाँ तो आएगी तो हम रख लेंगे, हम तो अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं। तो फिर डाइवोर्स का पेपर भी दिए हैं? डाइवोर्स का है, तो फिर कह रहे हैं रखियो लेंगे डाइवोर्स। कोर्ट का ये डिसीजन कोर्ट का होगा ना कि क्या करना है। आप दोनों चाहते हैं, रखना भी चाहते हैं, नहीं भी रखना चाहते हैं? अगर वो रहेगी तो हम रख लेंगे, नहीं रहेगी तो फिर डाइवोर्स चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनकी पत्नी का बच्चा हुआ इनको जानकारी नहीं है। एक बच्चा कह रहे हैं कि हमारे मतलब की जानकारी में है कि एक बच्चा मेरा है, दूसरा बच्चा को जानकारी नहीं। चाचा ऐसा हुआ मतलब आस पास में देख ले बनी अपना सोसाइटी ना? तो पहली बार हम सोसाइटी में ऐसा व्यक्ति पहली बार देख रहे हैं कि पत्नी का बच्चा हो गया, पति को पता नहीं? पता ही नहीं है, उसके बाद भी रखने तैयार है? उसके बाद भी पत्नी को रखने के लिए तैयार है? बोले जो आएगी तो हम रख लेंगे, अभी आप बोल रहे हैं उसको नहीं रखे, पहले बात समझिए। अभी आप बोल गए दो मिनट पहले जो आएगी तो उसको हम रख लेंगे, उसके बाद बोले उसको नहीं रखेंगे, बच्चा को रखेंगे। नहीं नहीं, अभी आप सवाल किए हैं, जो आएगी तो उसको रख लेंगे। और सबसे बड़ा सवाल है चाचा, एक सवाल रुक जाइए अमित जी, एक सवाल और है, इनकी सास भी 15 साल से गायब है, फरार है, वो भी किसी के साथ में। ये खानदानी आ रहा है क्या आपका? खानदानी आ रहा है, खानदानी है, उसका माँ भी उसके बाप से 15 साल से अलग है। अवैध संबंध में है? आप क्या, वो भी भाग गई है ना? वो भी भाग गई ना, आपकी सास भी भाग गई है ना? भाग गई है, और आपकी पत्नी भी भाग गई है? दोनों भाग गई, दोनों भाग गई। आप लोग क्या देखे शादी किए? उसके गांव पे नहीं, हमारे यहाँ वैशाली में, उसका घर बक्सर है, वैशाली में आके वो लोग शादी किया था, वो अपने रिलेशन में, हमें उसके गाँव का पता भी नहीं। कर रहे हैं यार, पत्नी से मिलने जाते हैं? नहीं, खर्चा पानी उसको देते हैं आप? खर्चा पानी कैसे दे देंगे, काहे नहीं दीजिएगा? पहला बच्चा, कोई बातचीत ही नहीं हो रहा है। हाँ। कुछ भी नहीं, और मेरा अकाउंट उसी के पास है, एटीएम उसी के पास है, तो अब हम अलग से खर्चा कहाँ से देंगे? एटीएम है तो आपके अकाउंट में पैसा है? पैसा है, वो निकालती है। तो बंद करवाइए अपना बैंक अकाउंट, अगर दिक्कत है तो मतलब उसको आप रखना चाहते हैं? तभी ना उसको बंद नहीं करवा रहे हैं, साल भर से भागी हुई है वो, अभी किसी को लेकर भाग जाइए। ऐसे कैसे भाग जाएंगे हम? हाँ, तो अभी किसी को लेकर भागे, वो भाग गई तो अभी किसी को लेकर भागे? जब तक डिसीजन नहीं निकलता है तो हम ऐसे कैसे भाग जाएंगे? डिसीजन क्या निकलेगा? डिसीजन लेके गई है आपसे, डिसीजन लेकर गई है वो। अगर मान लीजिए कि हम किसी के साथ भागते हैं या कुछ करते हैं तो वो तो मेंटेनेंस मेरे पे डालेगी कि डबल शादी किया है, लड़की को ज्यादा चलता है, मेरा वहाँ पे कोई सुनेगा नहीं। जिसको लेकर भागिएगा और मैरिज सबके साथ नहीं जाएगी, मैरिज जो होगी सही नहीं जाएगी, तो पहले वाली पत्नी दबाव डालेगी कह रहे के खर्चे के लिए कह रहे हैं। बिना डिवोर्स के हम शादी कैसे कर सकते हैं, आप खुद बताइए।
बिना डिवोर्स का, फिर अभी शादी की बात किए हैं ना, डिवोर्स के बाद जब कर रहे हैं ना, गलती कर रहे हैं आप। पहले आप जन पहले बोल आएगी तो हम रोक लेंगे, तो डिवोर्स के बाद कहाँ से आ गया? नहीं आएगी तो डिवोर्स देगी ना, उसके बाद हम अपना जो भी प्रक्रिया है आगे ऊपर करेंगे। वो तैयार होगी तब दीजिएगा, तो ना डिवोर्स देगी ना आएगी तो फिर। ये चाचा सबसे बड़ा, ये रील्स बनाते थे शादी करके लेके पत्नी को आए और वीडियो नहीं बनता है 14-15 सेकंड का, उसमें सब नाचता है, सब ऐसे ऐसे करता है, वही रील्स बनाते थे पत्नी के साथ में और किसी के साथ। चाचा का भी दिमाग काम नहीं कर रहा, देख सकता नहीं कि चाचा का भी दिमाग काम नहीं कर रहा है कि भाई अब हम क्या बोलेंगे इस पर, जबकि सास भी 15 साल फरार पहले फरार हो गई और पत्नी जो है साल भर पहले फरार हो गई। सास भी फरार हो गई और बेटी भी फरार हो गई, फरार हो गई। गांव को लोग क्या बोलते होंगे? वो मैं वैशाली का हूँ, वो बक्सर की है, इतना तो हमें जानकारी है, क्या इतना तो हमें जानकारी है ना, उसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उस मोहल्ला के लोग, गांव के लोग, समाज के लोग क्या बोलते होंगे जो सास भी भाग गई 15 साल पहले और सास के बेटी भी भाग गई, कैसे उसे घर में लोग शादी? वहाँ के लोग क्या कर रहे हैं, सरपंच क्या कर रहे हैं वहाँ के? सरपंच उसके खिलाफ में है। सरपंच क्या कर रहे हैं? सरपंच लिख के हमें पेपर दिए हैं। क्या लिखे हैं उसमें? लिखे हुए हैं कि वो लोग का नाजायज धंधा है, वो धंधा करती है। सरपंच लिख के दिए हैं कि वो धंधा करती है। मेरे पास है, धंधा करती है तो उसको आगे प्रोसेस जो पेपर जो है यही तो आए हुए हैं ना मीडिया के पास, प्रोसेस ही हो रहा है ना, ये तो प्रोसेस के लिए ही मीडिया के पास समय है, कोर्ट का पेपर है, सब है मेरे पास, तो सब डालते हैं हम नेट पे, तो वायरल कीजिए, वायरल करते हैं इसको। चलिए चाचा बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना समय दिए और सास भी भागी बेटी भी भागी इस पर आप अपना बात रखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए भैया बैठिए। दो आप जो है डाइवोर्स चाहते हैं? हाँ डाइवोर्स चाहते हैं। पत्नी को नहीं रखेंगे? जैसे देखिए अगर वो आएगी सही से रहेगी तो हम उसको एक्सेप्ट अभी भी करने के लिए। आपको एक बच्चा जो हुआ है, आपको लगता है कि आपके देश से वो बच्चा नहीं हुआ है? नहीं, ये तो आपका वो संतान नहीं है। जैसे वो मार्च में भाग, देखिए साफ साफ बात सुनिए, साफ साफ बात बताइए, ये मिलाइए मत, नहीं मिला के नहीं बता रहे हैं। वो अप्रैल में भागी है, 24 अप्रैल को भागी है और नवंबर में बच्चा उसको हुआ। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, मतलब कि आपके संपर्क में नहीं थी? आपके संपर्क में नहीं, उससे पहले तो मेरे संपर्क में थी, वो अप्रैल में भागी है। आपका बच्चा है कि नहीं है वो बच्चा? आपको डाउट है उस पे? हाँ डाउट तो है। आपका जो दूसरा बच्चा हुआ है उस पे आपको डाउट है कि वो मेरा नहीं है? नहीं है, वो दूसरे का संतान, दूसरे का है। जिसका जन्म आपकी पत्नी दी है जी, तो उस औलाद का क्या होगा? उसको तो डाउट है कि आपकी कोर्ट में मैंने वकील को बोला है कि डीएनए टेस्ट करा के देखा जाए, डीएनए टेस्ट करा देखा जाए कि आपका बच्चा है कि नहीं। अगर आपका बच्चा नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा? उसको नहीं एक्सेप्ट करेंगे, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर मेरा रहेगा तो फिर हम अपने एक्सेप्ट करते हैं, अगर मेरा नहीं है तो फिर हमारे डिवोर्स दे कि आगे हम भी कुछ करें। तो चलिए देख सकते हैं कि ये मामला जो है कि दो बच्चे में एक बच्चा, तो ये बता रहे हैं दोनों बेटी है कि बेटा है? एक लड़का है एक लड़की है। एक लड़का है? हाँ, लड़की है या लड़का है अभी हमको कंफर्म नहीं है, सरपंच साहब वहाँ बताए थे। अच्छा लड़की है कि लड़का है ये भी पता नहीं है? पता है। आपकी पत्नी का जो देह से बच्चा हुआ है वो लड़की है लड़का है पता नहीं? एक साल से कोई कॉन्टेक्ट उससे नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रहा है। और बच्चा हो गया? हाँ जैसे उससे पहले हमने था फोन पे बात नहीं, बच्चा हो गया उसके बाद? बच्चा हो गया हाँ। आपको पता नहीं है बेटा हुआ कि बेटी नहीं हुआ? पता है। एक जो पहले हुआ था वो क्या था, बेटा था कि बेटी? बेटा था। बेटा है, कितने साल का है वो? 3 साल का, 2-2.5 साल का होगा। 2.5 साल का बच्चा है एक आपका बेटा हाँ। जिसको आप कह रहे हैं कि मेरा बेटा हाँ, उसका हम फोटो भी देंगे आप लोग को। ठीक है उसका फोटो दे दीजिएगा। दूसरा जो बच्चा हुआ है वो आपको पता नहीं है कि बेटा है कि बेटी? नहीं है हमें पता नहीं है। उसके गांव पे जब हम सरपंच साहब से मिलने गए थे मैटर के लिए और मुखिया जी से, तो उन्होंने हमें बताया था कि बच्चा हुआ है। मतलब कि वहाँ के सरपंच, आपके ससुराल के जो सरपंच हैं, वो बताया कि आपके पत्नी एक और बच्चा दी है? बच्चा दी है। आपको पता नहीं? नहीं पता है। जब उसके घर पे जाने लगे तो सरपंच साहब बोलेगे कि नहीं जाओ वहाँ पे मारपीट होने लगेगा। तो चलिए हमको फोटो दे दीजिए आपकी पत्नी का, बच्चा का फोटो दे दीजिए, जितना फोटो है हमारे व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। रहिए लगातार, हम थे आज वैशाली जिला में कैमरामैन उमेश कुमार के साथ, धन्यवाद।